हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आइए आज हम पढ़ेंगे 11th का टॉपिक डायमेंशंस। और डायमेंशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, भले ही इसमें से बहुत ये जो मार्किंग स्कीम में अगर आप देखेंगे बहुत कम नंबर का एक चैप्टर रहेगा, लेकिन डायमेंशंस आप आज पढ़ेंगे और आज के बाद ये लाइफ लॉन्ग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी अब आगे से पढ़ने वाले हैं, आपसे यही पूछा जाएगा कि इसके डायमेंशंस क्या होते हैं, इसके डायमेंशंस बताइए। तो आइए पढ़ते हैं कि डायमेंशन बेसिकली होता क्या है। मैं निधि गर्ग और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे फिजिक्स पे। तो आइए तो पढ़ते हैं हम डायमेंशंस। आज का टॉपिक हमारा डायमेंशंस। तो बेसिकली डायमेंशंस होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करते तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एसआई यूनिट होती है, अपनी कुछ यूनिट होती है। अगर हम एसआई यूनिट की बात ना करें, हम यूनिट की बात करें, अगर हम यूनिट की यहाँ बात करते हैं तो यूनिट के लिए हम डिफरेंट यूनिट सिस्टम पढ़ते हैं, एमकेएस, सीजीएस। एमकेएस यूनिट सिस्टम की हम बात करें तो बेसिकली एमकेएस यूनिट सिस्टम क्या है, जिसमें लेंथ को मीटर्स में मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाता है। सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मास को ग्राम्स में मेजर किया जाता है और टाइम को अगेन सेकंड्स में मेजर किया जाता है। ठीक, तो बेसिकली हम इन्हीं दो यूनिट सिस्टम के साथ जो है वो डील करते हैं। तो अब ये जो यूनिट्स हैं, लेट अस कंसीडर हम कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, स्पीड। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी ना, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसका कुछ मैग्नीट्यूड हो। और मेजर तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, मास भी कर सकते हैं, लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस भी कर सकते हैं, मेजर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत कुछ मेजर कर सकते हैं। लेकिन इनकी मेजरमेंट को डिफरेंट बनाने के लिए इनको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है और यूनिट से ही बनती है डायमेंशंस। ठीक, अब देखो अगर हम स्पीड की यूनिट की बात करें तो स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड। अब यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो इसका क्या मतलब है, दैट एम रेस टू पावर वन सेकेंड रेस टू पावर माइनस वन, दीज पावर रेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द डायमेंशंस। तो बेसिकली अगर हम यहाँ डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन की क्या डेफिनेशन निकल के आती है, द पावर रेस्ड ऑन अ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट्स डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट दी डायमेंशन। तो डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बेटा, फर्स्ट वी हैव टू पुट दी स्क्वायर बॉक्स, ये स्क्वायर बॉक्स हमने पुट करे कैपिटल एम, कैपिटल एल एंड कैपिटल टी। हियर दिस कैपिटल एम इज फॉर मास, कैपिटल एल इज फॉर लेंथ एंड कैपिटल टी इज फॉर टाइम। एज वी नो दैट मास, लेंथ एंड टाइम ऑल थ्री आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हाउ मेनी वी हैव फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अब ये मत कहना नहीं आता, सेवन। सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, मास हो गई, लेंथ हो गई, टाइम हो गई, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, मोल ऑफ सब्सटेंस हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। These are what? Seven physical, fundamental physical quantity जिन्हें as it is अपना लिया गया।
है जो कहीं से भी डिराइव नहीं हुई है। लेकिन अगर हम फंडामेंटल से अलग हट के बात करते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज की, जैसे स्पीड, स्पीड इज डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बनी है? डिस्टेंस एंड टाइम से डिराइव होती है स्पीड। तो यहाँ बेसिकली कंसिडर करते हैं तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमने कंसिडर कर रही है, मास, लेंथ एंड टाइम। अब m रेस टू पावर a, b रेस टू पावर l रेस टू पावर b एंड t रेस टू पावर c। हियर a, b एंड c आर रिप्रेजेंट आपको बोलूं कि मुझे एरिया के डायमेंशंस बताओ, एरिया के क्या होंगे।
मुझे आप डायमेंशंस बताओ वॉल्यूम के क्या होंगे, मुझे आप डायमेंशंस बताओ वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के, राइट एक्सेलरेशन की बात आ गई तो फोर्स की बात आ जाती है तो वर्क की बात आ जाती है तो पावर, राइट पावर की बात आ जाती है तो क्या एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर कोई भी एनर्जी, राइट। चलिए कितने हो गए हमारे पास, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। चलिए वीडियो को पॉज करिए और फटाफट से डायमेंशन निकालिए, पॉज करिए वीडियो को। आइए देखते हैं पहला, सबसे पहला क्या है एरिया। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया के यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर होगी तो इसका मतलब क्या, सिर्फ मीटर है ना, तो यहाँ किलोग्राम है ना ही यहाँ पर सेकंड है, और किलोग्राम और सेकंड नहीं है तो इसका क्या मतलब है, ए भी जीरो है और सी भी जीरो है। तो डायमेंशन यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, एम रेस टू पार जीरो, एल रेस टू पार टू, टी रेस टू पार जीरो। तो बेसिकली डायमेंशन क्या होगी, एल स्क्वायर, राइट। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो मीटर क्यूब होता है बेटा, आप सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं, ठीक है। यूनिट डिफरेंट हो सकती है यूनिट सिस्टम में, क्योंकि डिफरेंट यूनिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा या मीटर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, राइट। लेकिन डायमेंशन जो है वो हमेशा सेम रहती है, यूनिट कैन बी डिफरेंट फॉर वन फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स, बट डायमेंशन ऑलवेज रिमेन सेम, डायमेंशन हमेशा यही रहेगी। जैसे मीटर के लिए लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे ही सेंटीमीटर के लिए भी हम लेंथ को ही रिप्रेजेंट करेंगे। किलोग्राम के लिए अगर हम मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ग्राम के लिए भी हम मास को ही रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड के लिए टाइम है तो मिनट के लिए भी टाइम ही है, आवर्स के लिए भी टाइम ही है, मिलीमीटर के लिए भी लेंथ ही है। क्लियर है पॉइंट। चलिए तो इधर देखिए, एम जीरो एल क्यूब टी जीरो, बहुत बेसिक से ही मैंने पहले लिए हैं, क्योंकि बहुत बेसिक ही क्लियर होना जरूरी है। पहले तो बेसिक क्लियर करिए तभी आईआईटी और जेई और ये सब कुछ सोचना। मैं इन सब बातों के बारे में नहीं बोलती कि सोचो, पहले बेसिक क्लियर करो। बेसिक क्लियर हो जाएंगे ना तो ये कुछ नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी की अगेन मीटर पर सेकेंड, तो ये फिर से सेम यूनिट होती है, जो स्पीड की होती है वही वेलोसिटी की यूनिट होती है। बात कर रहे हैं ना, लेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं या डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यूनिट वही सेम रहेगी। डिस्टेंस के लिए भी क्या, बेसिकली लेंथ क्या है, दैट इज द पाथ ना, दैट हैज टू बी मेजर्ड। वो पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। कोई हाइट हो गई, ठीक, तो वो सब लेंथ, वो सब उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। तो लेंथ के लिए अगर हम बोलेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, इन सब के लिए हम एल को ही रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। If we talk about acceleration तो ये क्या हो जाएगा, okay, now force. As we know the SI unit of force, यहां हम करेंगे force को पूरा solve करेंगे। The SI unit of force is Newton, right? A is acceleration,
है ये यूनिट बनेगी। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो हमने क्या देखा बेटा, हमने इसको ब्रेक क्यों करा है, हमने इसको इसलिए ब्रेक करा है क्योंकि हमें किस फॉर्म में जाएंगे डायमेंशन, एम एल टी ए बी सी। तो अब देखो ना ये ब्रेक होके आ गए ना इस फॉर्म में। तो अगर यहाँ अगर आप देखेंगे तो दिस इज द कॉन्स्टेंट, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स है, नंबर है, नंबर तो कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल नहीं है ये, ठीक। तो यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ इसकी क्या है डायमेंशन, इसकी पावर की अगर हम बात करेंगे तो ए रेज टू पावर 1 हो गया फॉर मास फॉर मीटर, बी ऑल्सो रेज टू पावर 1 हो गया, एंड अगर हम बात करते हैं फॉर टाइम दैट इज सी ऑल्सो रेज टू पावर माइनस 2। तो इफ यू टॉक अबाउट द डायमेंशन ऑफ फोर्स तो दैट इज एम 1 एल 1 डायमेंशन ऑफ फोर्स, क्लियर है। तो यहां से डायमेंशन क्या हमारे फोर्स के निकल के आ गए बेटा, एम एल टी माइनस 2। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्क, तो वर्क के लिए अगर हम बात करेंगे तो वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल्स। अब अगेन हमें जूल्स को जो है ब्रेकअप करना है मास के, लेंथ के और टाइम के टर्म्स में। तो देखिए कैसे ब्रेकअप होगा, वर्क की अगर हम बात करते हैं बच्चे तो हम वर्क जो है दैट इज, अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं तो दैट इज जूल्स, जूल होती है, ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 1 जूल किसके इक्वल होता है, 1 जूल 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, यही होता है। ये कहाँ से आया वर्क का, अगर आप ध्यान करेंगे क्लास 9th में आपने पढ़ा था, वर्क होता कब प्रोड्यूस है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने की वजह से वो ऑब्जेक्ट इसमें आ जाता है, मोशन में होता है, दैट टर्म इज सेड टू बी वर्क ना, तभी वर्क लगता है। तो अगर हम वर्क की यहाँ पर बात कर रहे थे, ये क्या हो गया, फोर्स अप्लाइड दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट कम्स इन मोशन। If the object comes in motion, it means it covers some distance, right? And for force, the unit is Newton, and for distance, unit is meter, right? It means यहाँ से आगे ना 1 joule is equals to 1 newton meter. Now break this newton meter in kilogram, meter and second. We can do it. अभी हमने पहले भी करा था, तो इसको हम करेंगे तो क्या जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड, मीटर मीटर से मीटर इनटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से तो ए रेज टू पावर 1, बी रेज टू पावर 2 एंड सी रेज टू पावर माइनस 2, क्लियर। तो अगर हम डायमेंशंस की बात करते बेटा तो डायमेंशंस क्या हो जाएगी, एम रेज टू पावर 1, एल रेज टू पावर 2 एंड टी रेज टू पावर माइनस। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस, क्लियर है। ध्यान से देखिए बेटा, नहीं अगर आ रहा है समझ में तो वीडियो को पॉज कर करके देखते जाइए। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, पावर। तो पावर की बात करते हैं, पावर की अगर हम बात करते हैं बेटा तो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट, वॉट ही होती है, डब्ल्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। And 1 watt is equals to 1 joule per second. यही पढ़ते हैं, क्या होता है पावर का फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन टाइम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर, यही होता है पावर का फॉर्मूला। वर्क के क्या यूनिट होते हैं, जूल्स होते हैं, टाइम के सेकेंड, तो क्या हो गया ये जूल पर सेकेंड, एंड 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड बन गया। तो क्या जूल को हम ब्रेक कर सकते हैं किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड में, यस बिल्कुल हम ब्रेक कर सकते हैं। अभी इससे वाले में हमने वही करा था, तो ब्रेक करेंगे तो कैसे हो जाएगा ये 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये तो यहाँ से क्या हो गया 1 किलोग्राम सेकेंड रेज टू पावर माइनस 3। तो डायमेंशंस
की अगर हम बात करते हैं तो 1 L square T minus 3 ये बना, this is the dimension of power. तो power के क्या dimension हो गए, M L square T minus 3, this is the dimension for power, right? Note करिए, देखिए ध्यान से, बहुत easy है बेटा. हाँ जी, आ जाते हैं अब नेक्स्ट और लास्ट है हमारी एनर्जी. लास्ट तो नहीं है, लास्ट तो मैं नहीं बोलूंगी, अभी हम और भी आगे करेंगे. हाँ जी, एनर्जी की हम बात करते हैं. चलिए, एनर्जी, एनर्जी हम कोई भी ले लें, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, सभी एनर्जी की जो ऐसा यूनिट है वो जूल्स ही रहेगी. ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल, अगर एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल्स है तो भी हमने देखा था ना, 1 जूल इक्वल्स टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी में ब्रेक करा था हमने वर्क डन. यस, बिल्कुल, वर्क डन के इक्वली होती है एनर्जी की यूनिट. एनर्जी क्यों, ऐसा क्यों, इक्वल क्यों है, कोई रिलेशन है इनमें आपस में? बिल्कुल रिलेशन है भाई. वर्क जो भी हो रहा है ऑब्जेक्ट में वो किस फॉर्म में आता है, एनर्जी की फॉर्म में. अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो किस फॉर्म में मूव कर रहा है, अगर हॉरिजॉन्टली वो मूव कर रहा है तो क्या है वहां पर, दैट इज दी काइनेटिक एनर्जी. वहां पर जो वर्क है दैट कम्स इन दी टर्म ऑफ एनर्जी, जो वर्क है वो किस उसमें रिप्रेजेंट हो रहा है, एनर्जी की टर्म्स में. अगर हम हाइट पे बात करते हैं, दैट एनर्जी इज ट्रांस, दैट वर्क इज ट्रांसफॉर्म इन दी पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन द पोटेंशियल, अब वो ग्राउंड की तरफ आते जा रहा है, आते जा रहा है, तो देन पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी. यही तो हम पढ़ते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सेम विद द वर्क ना, तो वर्क जो है वो हमेशा किसके फॉर्म में सामने आता है, एनर्जी के फॉर्म में सामने आता है. तो यहां पर भी क्या डायमेंशन हो गए, एम एल स्क्वायर टी माइनस. क्लियर? चलिए अगर हम एक और उठा लें, उठाते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अरे ये क्या मैडम, ये क्या बोल रहे हैं, क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, कहाँ से आता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहां से आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्या फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, है क्या वो लॉ, क्या बोला जाता है उस लॉ में, कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं वो सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में जो डिस्टेंस है. तो यही है, तो यहीं से आता है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये फॉर्मूला बन के निकल कर आता है. ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर हम बात करते हैं हमें किसकी निकालना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ गया जी. तो अब हमें क्या पुट करना है, यूनिट पुट कर देते हैं हम किसकी, फोर्स की. फोर्स की यूनिट होते हैं न्यूटन, डिस्टेंस है, आर इज द डिस्टेंस है ना, तो आर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, ये किलोग्राम इनटू किलोग्राम, तो दिस विल बिकम मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, राइट. तो इसको हमने सीखा ये न्यूटन को कैसे ब्रेक करना था, न्यूटन इन केजेस इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इज हियर एंड. तो अगर हम यहां से देखें तो हमारे यहां पर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आगे हमारा किलोग्राम मीटर और सेकंड की टर्म्स में आंसर, यानी कि मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स
ठीक है, ध्यान से समझिए कैसे हमें डायमेंशंस बेसिकली निकालनी होती है। चलिए नेक्स्ट है, डायमेंशंस में ही आता है डायमेंशन एनालिसिस। और डायमेंशन एनालिसिस जो हम करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कुछ बातों का डायमेंशंस के लिए यहाँ पर जिक्र किया गया है। वो क्या क्या बातें हैं, वो ये हैं कि कोई भी इक्वेशन होती है बेटा, तो कोई भी इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी हम उठा लेते हैं, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन में से फर्स्ट इक्वेशन उठा लेते हैं, एटी इक्वल्स टू वी माइनस यू। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं वी इज वेलोसिटी और यू कैन से फाइनल वन, फाइनल वेलोसिटी। अगर हम यू की बात करते हैं तो यू इज इनिशियल वेलोसिटी। और अगर ए की बात करें तो ए इज एक्सेलरेशन। अब इसमें आप देखिए दो साइड्स होंगी, एक होगी लेफ्ट हैंड साइड और एक होगी राइट हैंड साइड। दूसरी बात, यहाँ इक्वल का साइन है, तो इक्वल का साइन है तो इसका क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही मतलब हुआ ना इक्वल का साइन होने का, तो मतलब यही है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। यस बिल्कुल, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग भी यही होना चाहिए। द इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली इक्वल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली इक्वल हो, तभी उस इक्वेशन को हम डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मानेंगे। ठीक है, तो पहली बात होगी इक्वेशन शुड बी ऑन बोथ साइड डायमेंशनली इक्वल होनी चाहिए। तो आइए इसकी चेक कर लेते हैं हाथ के क्या ये डायमेंशनली इक्वल है या नहीं है, राइट। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है एल टी माइनस टू, टाइम की अगर हम बात करेंगे तो टी होगी खाली टाइम है, मास तो है नहीं यहाँ पर, ना कोई यहाँ पर लेंथ है, तो यहाँ तो सिर्फ टाइम का ही यूज करेंगे ना। अगर यहाँ बात करेंगे तो एल टी माइनस वन, यहाँ बात करेंगे तो एल टी माइनस वन, यही बात करेंगे ना, राइट। तो यहाँ पुट कर देते डायमेंशन, चलिए आइए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए पहले, यहाँ राइट हैंड साइड कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए टी, तो ए टी की अगर हम बात करते हैं तो एल टी माइनस वन टू 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 और टी। अब यहाँ पर वो सिंपली एलजेब्रिक जो हम ऑपरेशन पढ़ते हैं वो ही सब ऑपरेट होगा, उसी से हम ऑपरेशन करेंगे। तो हम एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं जिनके बेस सेम होते हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, वही सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ऑपरेशंस लाएंगे सिंपल एलजेब्रिक ऑपरेशंस है, कोई दूसरे हम ऑपरेशंस का यहाँ यूज नहीं करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ देखिए एल तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो एल तो एज इट इज, लेकिन टी की अगर हम बात करें तो बेस सेम है, यहाँ पावर माइनस टू है, यहाँ पावर माइनस वन है, तो जिनके बेस सेम होते हैं हम एक्सपोनेंशियल्स में पढ़ते हैं क्लास एट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस इक्वेशन में वही चीज
सबट्रैक्ट या ऐड होगी, सबट्रैक्ट या ऐड होगी वही चीज जिसकी डायमेंशन क्या है, इक्वल है। ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, भले ये फाइनल है, इनिशियल है, पर है तो वेलोसिटी ना, हो तो मीटर पर सेकंड में मेजर हो रही है। तो डायमेंशन क्या है, एलटी माइनस वन, एलटी माइनस वन डायमेंशन क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, डायमेंशन क्या हो जाएगा, एलटी माइनस वन। तो यहाँ देखिए क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गए, ध्यान से समझिए इसको, बहुत ही जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या पढ़ा हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, कि दोनों तरफ जो डायमेंशंस है इक्वेशन के, इट शुड बी डायमेंशनली इक्वल ऑन बोथ साइड। और अगर हम अगर बात करते हैं इक्वेशन में, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐड हो रही है, या कोई फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो उनके डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। अरे एक बात सोचो, मुझे जरा ये बताओ, जरा मैथ्स में एक्स प्लस थ्री वाई क्या होता है, 2x प्लस 3x क्या होता है, फटाफट से बता दो, ये 5x होता है। इसके लिए तो कोई ना कोई ऑपरेशन लगा के निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आंसर किस में आएगा, x के टर्म्स में आएगा ना, सेम है तभी तो। अगर मैं ये बोल दूँ 2y प्लस 3y तो फटाफट बता दो 5y क्यों ऐड होगा, क्योंकि वेरिएबल जो है वो सेम है, इसीलिए तो ऐड हो रहे हैं। अगर मैं बोल दूँ 3z माइनस 4z तो क्या हो जाएगा, 2z, क्यों, वेरिएबल जो है वो सेम है तभी तो ना। तो यहाँ पर भी तो बेटा सेम ही होगी, डायमेंशन सेम है इसीलिए ऐड हो रहे हैं, इसीलिए सबट्रैक्ट हो रहे हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर है, नोट करिए, ध्यान से समझिए, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। आइए तो फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल होती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, इस फिजिकल क्वांटिटी का इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है, इक्वल है, राइट, क्लियर है। अब ये जो है इनकी डायमेंशन इक्वल है तभी ये ऐड हो रहे हैं, और इनकी जो डायमेंशन है वो इसकी डायमेंशन के इक्वल है, तो हम जो है ए और बी टी को बी के इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं हम, क्योंकि इनकी जो डायमेंशन है वो इक्वल है और ये इन दोनों की डायमेंशन इक्वल है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो डायमेंशन इसके इक्वल है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, ए इक्वल्स टू बी टी और बी इक्वल्स टू पी टी। तो अगर हम बी की बात करेंगे तो बी जो है वेलोसिटी है, तो ये क्या होती है, एल टी माइनस वन, राइट। तो यहाँ से अगर हम इधर ये वाली क्वेश्चन में अगर हम पहले पुट करते हैं तो बी जो है वो ए के इक्वल है, और क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, ये तो आगे ए की डायमेंशन। और अगर हम बी की बात करते तो बी के साथ साथ क्या है, टाइम, तो टाइम के जो डायमेंशन होते हैं वो होते टी, राइट, और बी की क्या डायमेंशन है, एल टी माइनस वन। क्लियर हुआ बेटा, तो यहां से आ गया हमारे पास बी, बी की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, बी की अगर हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो बी की डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास एल टी रेस टू पावर माइनस टू, ठीक है। और अब हमें रिलेशन क्या निकालना है, ए बाय बी का रिलेशन निकालना है, तो ए बाय बी के लिए पुट कर देंगे वैल्यूज एल टी माइनस वन, एल टी माइनस टू, तो एल से एल एक कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो रेस टू पावर में प्लस टू हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगी, ए बाय बी की जो डायमेंशन है वो निकल के आएगी, देखिए बहुत इजी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते करते हमने किया है ये, ठीक है। चलिए अब इधर आ गए हम, बहुत होच पोच हो गया, अब इधर करते हैं सेकंड वाला, इधर करते हैं, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं फिर से, यहाँ देखिए ये आपस में क्या है, माइनस हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, इनकी डायमेंशन क्या होगी, इक्वल होगी, और यहाँ पर हम हमारे पास ए बी है, ए की निकालनी है, बी की निकालनी है, एक्स एक्स इज हेयर डिस्टेंस और लेंथ, ठीक है। तो हम डिस्टेंस ले लेते हैं, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एक्स क्या है, यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है बेटा। तो अब इसका क्या मतलब है कि अब बी जो है वो एक्स के साथ सबट्रैक्शन वाला ऑपरेशन जो है यहाँ कर रहा है, इन्वॉल्वमेंट है बी का एक्स के साथ, तो इसका क्या मतलब है कि बी बी का
टू व्हाट डिस्टेंस, ना डिस्टेंस के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर इसकी डिस्टेंस के स्क्वायर हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ना डिस्टेंस x इज डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है, तो इट मींस क्या है, ये यहाँ पर एरिया हम कुछ ले रहे हैं, मीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा, यहाँ हम कुछ एरिया ले रहे हैं ना, तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, आई मस्ट से स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है, बी के क्या डायमेंशन हो गए, एल स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर, ये यहाँ से एल स्क्वायर हो गया, बी के डायमेंशन आ गए हमारे पास एल स्क्वायर, याद रखिएगा, ठीक है। अब हमें किसके निकालें, ए के निकालें, ए के यहाँ से निकल जाएंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टी के टाइम है तो टी हो गया डायमेंशन, ठीक है ना। तो अब इधर से देखो, यहाँ से एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर कैंसिल, बिल्कुल मैथमेटिकल अलजेब्रिक ऑपरेशन लगने, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ हम पहुँच गए ए के लिए, हम बात कर रहे हैं, तो ए को हम ले गए इधर और बाकी डायमेंशन को ले गए इधर, यहाँ बच गया वन और बाकी यहाँ पर आ गई, एल तो कैंसिल हो गया था, पावर रेज्ड ऑन द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी,
जो यूनिट पे पावर रेज है दैट इज द डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर इन नंबर्स का जो है डायमेंशनली कोई रोल नहीं है, तो इनको हम निगलेक्ट कर देंगे, इनको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ पर एल टी माइनस वन है और ए की क्या होती है एल टी माइनस टू और एन क्या है यहाँ पर टाइम है, तो क्या हो जाएगी टी। तो क्या है यहाँ पर दोनों की एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन आ गई, तो यहाँ भी क्या डायमेंशन आ गई कॉमनली निकल के एल टी माइनस वन। तो देखिए राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड साइड की। प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस आपको दे दी जाएंगी, तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। वहाँ पे लिख दिया जाएगा कि अगर वहाँ पर आपको कोई लैम्डा लैम्डा है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लैंक्स एच है तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करना है, वी है तो वेलोसिटी को कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत सारे इक्वेशंस है फिजिक्स में, तो ठीक है ना, रिलेटेड टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो वहाँ पर बता दिया जाएगा आपको कि कौन सी फिजिकल, कौन सा जो सिंबल है या जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, किसको रिप्रेजेंट करे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप करते जाएंगे। और अभी आपको ये नहीं है कि अभी बिल्कुल सब कुछ रटना है सारी डायमेंशन, नहीं, जैसे जैसे आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे ना बेटा, वैसे वैसे सारी डायमेंशन, सारी फिजिकल क्वांटिटीज, अभी तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ प्ले करने वाले, देखने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है फिजिक्स में। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आगे आगे, वैसे वैसे आपके सामने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आती जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये, नोट करिए इसको।